खबर भद्रावती से, जहां किला वार्ड में कचरे के लगे ढेर के अंबर से आसपास के वार्डों के नागरिकों का स्वास्थ्य खराब होने की संभावना जताई जा रही है। जहां एक ओर संपूर्ण भारत में स्वच्छता अभियान पर जोर दिया जा रहा है, वही भद्रावती के किला वार्ड में गंदगी का ढेर लगा हुआ है। हमारे संवाददाता संदीप जीवने ने दी जानकारी के अनुसार, सफाई ठेका कर्मी शहर का कूड़ा कचरा बंगाली कैंप की ओर जाने वाले रास्ते के बाजू में जमा कर रहे हैं, जिसके कारण कुनबी सोसाइटी, एकता नगर, फुकट नगर, बंगाली कैंप, केसुरली, कुरुडा, विजासन के परिसर के लोगों का स्वास्थ्य खतरे में आ गया है। जहां एक तरफ भद्रावती नगर पालिका महाराष्ट्र क्रमांक 2 की नगर पालिका है, वही आलम ये है शहर की साफ सफाई में अनियमितता देखने को मिल रही है। कचरा डब्बा रहा तो फिर डब्बे में डालेंगे वहाँ पे लोग, देखो यहाँ पे फिर ये नहीं कर रहे ना, ऐसे ही डाल के रख के जाते हैं। कितना गंदा बासर है, उधर भी फेंक के रहते, वो पूरा जो जितना शादी है वो होते ना, सब सब ऐसे डाल के रखते। हालांकि कचरा डंपिंग यार्ड में जमा किया जाना चाहिए, मगर किला वार्ड में वही जमा कर उसको अंगार लगा दी जाती है, जिसके कारण वायु प्रदूषण भी हो रहा है। गौरतलब ये भी है कि यह प्रभाग भद्रावती नगर परिषद के उपाध्यक्ष का है। हमारे संवाददाता ने इस बारे में आयुक्त से जानकारी लेने की कोशिश की, मगर वे उपलब्ध नहीं हो सके। इस संबंध में अधिक जानकारी भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष प्रवीण सातपुते ने हमारे संवाददाता को दी। बाजारातला कचरा असो की ते दवाखान्याचे वेस्टेज झालेले ते साहित्य असो, नव्याचे केस सर्व आणून ठेवले जाते या ठिकाणून। फुकटनगर, केसुरली, कुरुडा, बंगाली कॅम्प, बिजासन, इथून चांगली वर्दळ चालू असते आणि या ठिकाणी अशी जी दुर्गंधी पसरलेली आहे, हे नगरपालिकेला निवेदन करूनही लक्ष देत नाही आणि या ह्याच्यापासून पूर्ण प्रदूषण युक्त वातावरण झालेलं आहे। हवा आली की पूर्ण ते वास घरामध्ये जाते, कुंभी सोसायटीमध्ये। याकडे प्रशासनाचं बिलकुल लक्ष नाही, हे सर्व गोष्टी दिसून राहिलेलं आहे। या पाहू शकता तुम्ही पूर्ण धूळ आणि हा जो ढोला आहे याच्यामध्येच काही कचरा पेटवला आहे। दर आठवड्यातून एक दोनदा या ठिकाणी पेटवल्या जाते आणि आमची अशी मागणी आहे की नगरपालिकेनं तुरंत त्याच्याकडे लक्ष देऊन ते गंदगी इथून हटवावं।